देखिए कितना हवा है, तूफान एकदम कुवैत में, दो चार दिन से बहुत हवा। 80 दिनार 100 दिनार भी अगर सैलरी हो तो आराम से खा पी कर अच्छा खासा पैसा घर भेज सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो एक भाई का सवाल है सऊदी से, वो सऊदी रिटर्न है। उनका सवाल ये है कि क्या सऊदी का लाइसेंस कुवैत में चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा भाई। और अभी देखिए कुवैत में कितना हवा चल रहा है, बहुत हवा चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ, और जो भाई का कमेंट है सऊदी के बारे में, मैं ये सब उनका सवाल पूरा करने वाला हूँ। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो दिखा दूँ यहाँ पे कितना हवा चल रहा है कुवैत में, तो बैक कैमरा से दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। देख सकते हैं आप लोग कैसे कुवैत में कितना हवा चल रहा है। आज दो चार दिन से तो बहुत हवा, तूफान है एकदम, बहुत हवा है कुवैत में। ओके भाई लोग, मैं अभी अपने गाड़ी में आ गया क्योंकि बाहर बहुत आंधी तूफान है। आज दो चार दिन से इतनी आंधी तूफान चल रहा है कि क्या बताएं। जो कुवैत में है वो समझ सकते हैं। और दूसरी बात रह गया वो सऊदी रिटर्न ड्राइवर का, जो भाई साहब ने कमेंट किया है कि मेरा सऊदी का लाइसेंस है कुवैत में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भाई साहब कहीं का भी लाइसेंस हो कुवैत में नहीं चलेगा, आपको यहाँ आने के बाद कुवैत का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, तभी आप ड्राइव कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। क्योंकि ओनली दुबई का लाइसेंस छोड़ के कोई भी लाइसेंस यहाँ पे नहीं चलेगा। दुबई का लाइसेंस जो होता है वो चलता है, बाकी कोई भी कंट्री का लाइसेंस नहीं चलता है। अगर आपका काम हो गया है कुवैत में आने के लिए तो आप सऊदी का लाइसेंस भी ले लो और इंडिया का लाइसेंस जरूर लो। कितने आदमी इंडिया का लाइसेंस छोड़ के आ जाते हैं भाई साहब? इंडिया का लाइसेंस लेकर आओगे तब भी कुवैत का लाइसेंस आपको मिलेगा। इंडिया एम्बेसी आपसे पूछेगा कि इंडिया का लाइसेंस दिखाओ, वो देखेगा, तब जाकर आपको कुवैत का एम्बेसी आपको लाइसेंस देगा, तब आप कुवैत में गाड़ी चलाओगे। मेरा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो कितने आदमी भूल कर छोड़ देते हैं कि अरे मेरे पास सऊदी का लाइसेंस है, ओमान का लाइसेंस है, तो इंडिया का लाइसेंस क्या होगा? नहीं भैया, आप इंडियन हो, आपके पास पहचान क्या है कि आप एक इंडियन हो और इंडिया में गाड़ी चलाए हो? एमबीसी पूछेगा कि अपने इंडिया का एमबीसी जो है वो आपसे पूछेगा कि इंडिया का लाइसेंस दो, कहीं का भी लाइसेंस वो नहीं मानेगा। वो जब भी मानेगा तो इंडिया का लाइसेंस ही मानेगा, तब आपको कुवैत का लाइसेंस देगा या कोई भी कंट्री का लाइसेंस मिलेगा। इंडिया का लाइसेंस लाजिम होना चाहिए। तो आपका भाई साहब का जो कमेंट था वो पूरा किए, तो यही बात है। तो आप ये टेंशन में मत रहिएगा कि सऊदी का लाइसेंस है तो कुवैत में चलेगा, नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। वो लोग किसका चलता है? जो अरबी लोग है, जो कुवैत से सऊदी जाते हैं, सऊदी से कुवैत में आते हैं, तो अरबी लोगों का ये कंट्री है, जो भी गल्फ कंट्री है वो कहीं भी जा सकते हैं बिना वीजे का, बिना कोई भी कागज पत्र का, वो कहीं भी जा सकते हैं। दुबई जा सकते हैं, ओमान जा सकते हैं, सऊदी जा सकते हैं, सऊदी कुवैत में आ सकते हैं। तो उन लोगों का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो अरबी है, उन लोगों का देश है। हम लोग तो अजनबी है ना, तो हम लोग के लिए तो हर एक चीज चाहिए, तब भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम जा सकते हैं। तो भाई लोग, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, थोड़ा बहुत देखते हो और स्किप कर देते हो। और वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में अपना राय जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, किसके बारे में आपको जानना है, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड जरूर करूंगा। जो भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यही बात है। सऊदी से तो बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं लोग कि
वहाँ का महंगाई क्या है। तो यहाँ का भैया महंगाई एकदम बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसका अगर 60 दिनार, 70 दिनार, 80 दिनार, 100 दिनार भी अगर सैलरी हो तो आराम से खा पी कर अच्छा खासा पैसा घर भेज सकता है। और मैं एक फोन किया एक बार अपने दोस्त के पास सऊदी में, तो वहाँ पे बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, महंगाई बढ़ रहा है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है। मैं 2012 में गया था, उस टाइम 2 लीटर का पेप्सी 4 रियाल का था, अभी वो बता रहा था कि 10 रियाल, 12 रियाल का, वो जो 4 रियाल का था। आलू महंगा, टमाटर महंगा, प्याज महंगा, मुर्गी महंगा, हर एक चीज महंगा, लेकिन सैलरी वही है। तो जिसका सैलरी अच्छा है, भाई लोग आप लोग काम करो, बहुत अच्छा से काम करो। और जो भी भाई कुवैत में आना चाहते हैं तो बात वही है जो मैं पहले बताया, अगर ड्राइवर हो तो आप इंडिया का लाइसेंस लाजिम लेकर आना साथ में, तभी आपको कुवैत का लाइसेंस मिलेगा, ठीक है भाई लोग। तो और भी जानकारी के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल में जाइए, और बहुत उसमें वीडियो पड़ा हुआ है ड्राइवर के बारे में, अरबी लोगों के बारे में, यहाँ का रोड का रूल क्या है गाड़ी चलाने का, नए ड्राइवर लोग आते हैं, कपिल के घर में आते हैं, हर एक चीज का इसमें वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग जाइए, देखिए और समझिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जो भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर देंगे इंशाल्लाह। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना प्यारा नाम जरूर लिखिए कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।